बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 को रिलीज होने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। काफी लंबे इंतजार के बाद मूवी 11 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। तारा सिंह और सकीना की कहानी आगे बढ़ेगी और उनका बेटा जीते बड़ा हो जाएगा। गदर 2 को लेकर कई तरह की खबरें भी चल रही हैं। आज आपको बताते हैं कि गदर 2 के स्टार कास्ट ने कितनी फीस ली है। सनी देओल ने तारा सिंह के रोल से दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया था। अब गदर 2 में एक बार फिर से वो धमाल मचाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल ने इस फिल्म को करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की फीस ली है, जबकि अमीषा पटेल ने 2 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। बता दें कि इन दिनों सभी फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। तारा सिंह और सकीना के बेटे के रोल में उत्कर्ष शर्मा नजर आएंगे। उन्होंने इस मूवी को करने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। वहीं उनकी गर्लफ्रेंड के रोल में सिमरत कौर नजर आएंगी, जिन्होंने 80 लाख रुपए की फीस चार्ज की है। और आपको बता दें कि इस बार कई नए चेहरे फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, जिसमें एक नाम है लव स्नेहा का। उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए 60 लाख रुपए की फीस चार्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गदर 2 में विलन का किरदार मनीष वाधवा निभा रहे हैं और वो शाहरुख खान की फिल्म पठान में भी नेगेटिव किरदार में दिखे थे और गदर 2 का भी हिस्सा है। लेकिन अब तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि उन्होंने कितनी फीस ली है। आपको बता दें कि मनीष ने अमरीश पुरी को रिप्लेस किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि वो अपने किरदार के साथ कितना न्याय कर पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गदर एक प्रेम कथा 9 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। गदर 2 को सिनेमा हॉल में लाने से पहले पुरानी फिल्म की यादों को ताजा करने वाली है। गदर 9 जून को पूरे देश के सिनेमा हॉल में फिर से रिलीज होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि गदर 2 का फर्स्ट पोस्टर पहले ही रिलीज कर दिया गया था। इस पोस्टर में सनी देओल एक दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें, गदर एक प्रेम कथा को बेहतर साउंड सिस्टम के साथ रिलीज किया जाएगा। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।